हेलो, पिछले वीडियो में हमने जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से अंग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो शुरू करते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र और दूसरा होता है द्वितीयक जनन तंत्र। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन समझेंगे प्राथमिक जनन तंत्र क्या होता है और सेकेंडरी द्वितीयक जनन तंत्र है वो क्या होता है। ये है मूत्राशय, इसको बोलेंगे वृषण, इसको कहेंगे वृषण कोष। ये जो ऊपर दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे अधिवृषण ग्रंथि। इसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको बोलेंगे शुक्राशय। इसे कहेंगे शुक्रवाहिनी। इसको कहेंगे शिश्न और इसको बोलेंगे मूत्र मार्ग। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है इस डक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसको मूत्र मार्ग कहते हैं लेकिन इसका दूसरा नाम होता है स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी भी इसको कहा जाता है। ये डायग्राम आपका नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र वो मैंने आपको दो तरह के बताए हैं। एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र और दूसरा होता है द्वितीयक जनन तंत्र। जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है उस वो कौन से में काउंट होगा? प्राथमिक जनन तंत्र में काउंट होगा। वृषण उपस्थित होता है वृषण कोष में। ये वृषण क्या काम करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इस वजह से वृषण को किस में गिना जाता है? प्राथमिक जनन तंत्र में गिना जाता है, जनन अंग में गिना जाता है। ये तंत्र नहीं है, अंग। प्राथमिक जनन अंग शुरू करते हैं।
वे अंग जो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं जनन कहलाते हैं। वे अंग जो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं वे जनन कहलाते हैं। वृषण में शुक्राणु निर्माण किया जाता है। ये जो वृषण है इसमें शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। और शुक्राणु का निर्माण किस वजह से होता है, ये जो अधिवृषण ग्रंथि इसके ऊपर स्थित है ये इसको क्या करेगी, उत्तेजित करती है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। ठीक है, तो अधिवृषण ग्रंथि का क्या काम है, ये वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए इसकी मदद करती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, दूसरा पॉइंट है अपना द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग में कौन कौन से गिने जाएंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो होगा वृषण कोष। 6 अंग होते हैं द्वितीयक जनन अंग में। वृषण कोष के बाद में दूसरे नंबर पे देखो यहाँ से शुक्राणु वो आते हैं, तो दूसरा हो जाएगा आपका शुक्राशय शुक्रवाहिनी। तीसरे नंबर पे आएगा शुक्राशय। चौथे नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में आता है आपका शिश्न। और लास्ट आता है आपका मूत्रमार्ग। ये 6 पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट के बारे में आपको छोटे छोटे वर्ड में छोटे छोटे लाइनों में समझाना है इसको, इनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला है वृषण कोष। पहला पॉइंट वृषण कोष में ये लिखना है कि इसके अंदर क्या स्थित होता है। वृषण स्थित होता है जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और वृषण के ऊपर क्या स्थित होती है, अधिवृषण ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट लिखना है कि वृषण कोष है वो शरीर के बाहर की तरफ लटका हुआ अंग होता है। अब ये शरीर के बाहर क्यों होता है, जो शुक्राणु निर्माण है वो हमारा जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है उससे कम तापमान पे होता है। तो ये अगर शरीर के अंदर होगा तो हमारे ये वृषण कोष का जो तापमान है वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। इस वजह से ये शरीर के बाहर होता है ताकि शरीर से कम तापमान के ऊपर शुक्राणु का निर्माण किया जा सके। तो वृषण कोष है वो शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण है वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नहीं होते, इससे कम तापमान पर होते हैं, इस वजह से ये बाहर की तरफ होता है। दूसरा चलते हैं अपन शुक्रवाहिनी। जैसे ही टेस्टिस में या वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद में इन शुक्राणुओं को कहाँ भेजा जाता है, इस वाहिनी के माध्यम से, इस नली के माध्यम से यहाँ तक भेजा जाता है। एक थैली जैसी संरचना होती है, यहाँ पर इनको एकत्रित किया जाता है। तो ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, इस नली को क्या बोला जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है, ये शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब वृषण से शुक्राशय तक गति करवाती है। उस नलिका को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं अपन शुक्राशय। यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है लेकिन यहाँ पर इनको एकत्रित नहीं किया जाता है। इनको एकत्रित कहाँ किया जाता है, एक थैली जैसी संरचना होती है जहाँ जिसको बोलते हैं शुक्राशय। इस शुक्राशय में इनको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्रंथि। अधिवृषण ग्रंथि का काम होता है ये शुक्राणु के निर्माण में मदद करती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि है वो एक लिक्विड, एक द्रव्य पदार्थ है, उसका स्राव करती है। उस द्रव्य पदार्थ को बोला जाता है वीर्य। ये वीर्य क्या काम करता है, जो शुक्राणु है उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। और साथ में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम भी किसका होता है, वीर्य का होता है। ये किसके द्वारा
इसका निर्माण किया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा वीर्य का निर्माण किया जाता है। अब वीर्य कंप्लीट हो गया, यहाँ से अपन चलते हैं। देखो ये आपका जो मूत्राशय दिखाई दे रहा है, यहाँ की ये जो डक्ट है, ये जो नली है, मूत्र मार्ग है, वह शुक्राशय से ये जो नली दिखाई दे रही है, ये आगे जाके दोनों एक सिंगल नली बन जाती है। मतलब मूत्र मार्ग और स्खलन वाहिनी दोनों एक ही नली के द्वारा, यानी शुक्राणुओं को और मूत्र को दोनों को एक नली के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाया जाता है। तो इस नली को किस नाम से जाना जाता है? स्खलन वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। स्खलन वाहिनी में मूत्र व शुक्राणु दोनों साथ साथ गति करते हैं, और किसकी वजह से गति करते हैं? वीर्य की वजह से गति करते हैं, तो इसको बोलेंगे स्खलन वाहिनी। नेक्स्ट चलते हैं अपन शिश्न। शिश्न क्या होता है? ये एक बेलनाकार अंग होता है जो वृषण कोष के बाहर की तरफ मध्य में लटका हुआ रहता है, और इसका कार्य होता है इसके द्वारा जो शुक्राणु हैं उनको मादा जनन अंग तक पहुंचाने में ये मदद करता है। ठीक है, शिश्न कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अपन मूत्र मार्ग। इसके द्वारा शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाया जाता है, या मादा जनन अंग है उन तक इन शुक्राणुओं को पहुंचाया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। तो यह आपका द्वितीयक जनन अंग है, वो पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में, तो अपना नेक्स्ट वीडियो है वो मादा जनन अंग के प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग के बारे में होगा। आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।